सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में मैं आपको फिर से एक नए सॉन्ग को मिक्स करके दिखाऊंगा। वीडियोस को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके और सीख सके। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनमें लगाना चाहिए ऑटो ट्यून और फिर करना चाहिए विचार। ठीक है, तो ऑटो ट्यून अप्लाई कर ही दिया जाए, देरी किस बात का। ठीक है, ऑटो ट्यून में देरी क्या, ऑटो ट्यून तो इसका प्रजाति का जाति है, तो इनको लगाना ही लगाना है। डाला जाए इनके अंदर, ईवीओ डाला और इनके अंदर क्या कर दिया जाए, भी सी माइनर ही कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सी माइनर ही डालते हैं, काम तो करना ही है चाहे जैसे करो तुम। देखते हैं। अरे भैया 140 करना पड़ेगा इनका स्पीड, नहीं तो टेम्पो खराब हो रहा है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे दबाया बटन और कर दिया 140, तो आई थिंक अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, जब हो जाएगा सही तो करना है मिक्स, होगा मिक्स तो बनेगा गाना, सुनोगे बढ़िया से डीजे में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दे के किया करो। वैसे थोड़ा सा मजे ले रहा हूँ मैं अभी, देखो आप। सुनने में ना लग रहा हो अच्छा तो ट्रैक के बंद कर को एक बार फिर से सुन लो यार, क्या दिक्कत है। शादी में गोइल रोही दीदिया के घरे, रोही रोही बतिया उहे तो याद पड़े, भेंट भौए ऐसन दिल वाला से। ऑटो ट्यून सुनने में जब लगे अच्छा तो आगे करो विचार और लगा दो 3-4 BHT का बच्चा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ API का एक, और दूसरा यहाँ पे एक CLA का, तो उसके बाद एक मल्टीबैंड का। ऑटो ट्यून सुनने में लगे अच्छा तो लगा दो 3-4 बच्चा। 3 लग चुका है, एक और लगाएंगे अभी। 4 लगा दिया हमने, 4 लगा दिया। आवाज़ हो जाए टाइट तो डाल दो इको का, क्या कमेंट करके बता देना क्या बोलूँ अब आगे, समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो सुनो आप थोड़ा सा। शादी में गोइल रोही दीदिया के घरे, रोही रोही बतिया उहे तो याद पड़े, भेंट भौए ऐसन दिल वाला से, नजरिया सखीरे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना नॉर्मल आवाज था, है ना, मजाक छोड़ो अब, अब कितना नॉर्मल आवाज था ये आप देखो। और इतने सारे VST ऑटो ट्यून लगाने के बाद, जो 4 VST कहानी के तौर पे मैं आगे बढ़ा, तो 4 VST लगाने के बाद देखो कितना ज़्यादा आवाज़ बॉल्ड हो चुका है। अब जब लगा दो 4 VST तो डाल दो डिले का एक बच्चा, नहीं ये गड़बड़ा रहा है, वैसे आप लोग बता देना मैं क्या बताऊँ इसके जगह पे, तो आगे बता दूंगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं 10% और 5% डिले में कोई चेंज नहीं, ये डिले ही एक ऐसा है जिनमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है। चलिए सुनते हैं। शादी में गोइल रोही दीदिया के घरे, ठीक है, तो EQ भी थोड़ा सा ले लेते हैं ऊपर की ओर, क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। अरे EQ का 1 मत ऊपर हो यार। ठीक है, अभी सुनेंगे इनको हम। अरे ये तो लग रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में चल रहा है, ऐसे मत करो यार, अब इसे सही करना पड़ेगा यार, गड़बड़ा गया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सही करने के लिए एक यहाँ पे DBX डाल देते हैं, एक बार DBX 160 का मोनो डालते हैं और सेंट्स में कुछ डाल लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, जब मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोगों को कैसा लगेगा बताओ, नहीं होना चाहिए ऐसा, वीडियो खत्म नहीं होना चाहिए यार,
क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा है। फुल करता हूँ रिवर्ब को, दूसरा डालता हूँ, यहाँ पे दूसरा ऐसे ही लगाएंगे। जब तक ना लगे अच्छा तब तक सुनते रहो। अरे भाई क्या आ रहा था दिमाग में, क्या कर दिया। ठीक है वैसे, चलो रिवर्ब को यहाँ पे डाल लेते, कितना 15%, और रूमवर्क्स को, अरे 4% नहीं डालना है तुम्हें, 20% डालेंगे। अरे भैया -20% आ जाओ यार। हाँ सही है, अब ये भी हो चुका है तैयार। अभी सुनेंगे थोड़ा सा और करेंगे विचार, ठीक है। शादी में गोइल रही दीदिया के घरे, रही रही बतिया मुझे तो याद करे, भेंट के बुए ऐसन दिल वाला से नजरिया है सखीरे, लहड़े गुए वीडियो कैमरा वाला से नजरिया है सखीरे। ठीक ठाक है, परफेक्ट है, चल जाएगा इतना में भी। लेकिन इस BHT प्लाइंस जितना भी मैंने लगाया है, इसको आप मिक्स करते टाइम मत लगाना, क्योंकि इशू आ रहा है मेरे को खुद, तो आपको तो जरूर आएगा। इसे आप रिकॉर्डिंग टाइम में यूज़ कर सकते हो, ये प्रीसेट अभी जो मैंने बनाया है आप देख सकते हो, इस प्रीसेट का आप यूज़ रिकॉर्डिंग टाइम में कर सकते हो। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन प्रीसेट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप बेसिक से सीख पाएंगे। अगर आपको क्यूबेस का सी भी नहीं पता है और गाना बनाने का जी भी नहीं पता है, तो आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे हमारे कोर्स से। कोर्स ज्वाइन करने के लिए इधर डिस्प्ले कर रहा होगा नंबर, आप डायरेक्टली वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन ना करें, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे बातचीत करेंगे, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 100% श्योर कि आप म्यूजिक बनाना हो, चाहे मिक्सिंग करना हो, गाना बनाने का पूरा हर एक चीज मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले कर रहा होगा नंबर, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे।